आईपीएल जो भारत नहीं पूरी दुनिया में विख्यात है। देश में महामारी के चलते आईपीएल पूर्व निर्धारित समय से रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब जब महामारी का प्रकोप थोड़ा थोड़ा कम होने लगा तो खेल गतिविधियां भी शुरू होने लगी हैं। आईपीएल जो दुनिया का सबसे आकर्षक क्रिकेट आयोजन है, उसके लिए बीसीसीआई ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके लिए अनुमानित तारीख भी तय कर दी गई है। अनुमान है कि टूर्नामेंट 19 सितंबर से शुरू होकर 8 नवंबर तक यूएई में खेला जाएगा। 15वां सीजन 51 दिन तक खेला जाएगा। इस बीच शुक्रवार को भारतीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संकेत दे डाले कि सितंबर अक्टूबर से देश में खेल गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। यह बयान बीसीसीआई के लिए शुभ संकेत की तरह माना जा रहा है। आईपीएल सीजन के भविष्य पर बहुत हद तक फैसला अगले सप्ताह हो जाएगा। आईपीएल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने कहा है कि गवर्निंग काउंसिल जल्द ही बैठक करेगी, लेकिन हमने कार्यक्रम तय कर लिया है। यह सितंबर 19 से शुरू होकर 8 नवंबर तक होगा। हमें सरकार की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस सीजन 51 दिनों में सभी आईपीएल मैच होंगे। आईपीएल के चेयरमैन ने कहा कि खतरे से बचने के लिए मानक बनाए जा रहे हैं जो कुछ दिनों में तैयार हो जाएंगे। दर्शकों को अनुमति देना है या नहीं देना, यह यूएई सरकार पर निर्भर करेगा। हमने इस पर फैसला उनकी सरकार पर छोड़ दिया है। फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके लिए आधिकारिक रूप से यूएई सरकार को लिखित तौर पर जानकारी दी जाएगी।